यहाँ पे पुस्तक देने का प्रोसेस जो है एनसीईआरटी में आपको 50% ऑफर है, और जनरल कंपटीशन के लिए जो अदर बुक है उसमें 80% आपको बुक में छूट मिलेगा। तो ऐसा ही लग रहा है, लोग ऐसा यूनाइट हो रहा है, तो देख लग रहा है कि अब पहले से अभी काफी लोग आगे बढ़ रहा है, काफी लोग आगे बढ़ रहा है। जब तक हर शिक्षित नहीं होगा कोई किसी से भी नहीं लड़ पाएगा। आप किसी भी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं है तो आप उसके बारे में आप दो लाइन भी नहीं बोल पाइएगा। जय भीम, आप देख रहे हैं लाइव बुधा, और आज हम पटना में आए हैं। पटना में जो आज 16 तारीख है, और 16 तारीख को SC ST OBC के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पुस्तक वितरण किया जा रहा है। और आज जो पुस्तक वितरण किया जा रहा है वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो श्री कृष्ण की मेमोरियल हॉल जो है सामने है उसको दिखाएं, और दिखाने के बाद यहाँ पे हम लोग आए हैं। और दिखाने के बाद यहाँ बहुत सारे, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। समता सैनिक दल के सैनिक भी हैं, और पुलिस का जो प्रोटेक्शन है वो भी है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं कि जो पुस्तक विक्रेता जो है पुस्तक खरीदने के लिए, लेने के लिए स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ है। हम आइए आम लोगों से बात करते हैं कि क्या रुझान है पुस्तकों को लेकर। जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। तो वास्तव में जो है हमारा समाज जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि क्या ओपिनियन है। मेरा नाम है सुधीर पासवान। आप समता सैनिक दल से? जी सर। क्या लग रहा है इस तरह का, इस यहाँ की व्यवस्था जो हुआ है? इसके व्यवस्था देखते कि लगता है विकास के अमल में आ रहा है जंजीर, और नौजवान के अदम अंदर से मजबूती लग रहा है कि हमारा लोग के बहुत से गिरे हुए हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था बना हुआ है और फुल है। यहाँ पुलिस का प्रोटेक्शन है, इसके बावजूद भी समता सैनिक दल का प्रोटेक्शन क्यों लगाया गया है? देखिए, समता सैनिक दल का सपोर्ट से, प्रशासन के भी सपोर्ट से, समाज के लिए, लड़के लोग के लिए, वो भी लोगों सपोर्ट के भी साथ काम करने के लिए ये मजबूत लगाए गए हैं। और इसके विशेष में हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मेरा संगठन का आदमी है, वो आपको विशेष में, इससे विशेष में हम विशेष ज़्यादा बोलने चाहें, लेकिन ये जानिए कि बाबा साहब संविधान बनाए, जो संविधान को विस्कार हो रहा है। और हर नौजवान के मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस संविधान को आगे के निकालना है, और शिक्षा और रोजगार और देश की आज़ादी के लिए बहुत बढ़िया काम रहेगा। आप लोगों का जो सिक्योरिटी का जो बिलीफ है, विश्वास है, वो पुलिस फोर्स में नहीं है, अपने पर ज़्यादा है? नहीं, सब तो अपना अपने संगठन के तरफ से, जो भी प्रशासन है, समता सैनिक दल है, जो भी अपने अपने संगठन को लेके जा रहे हैं और अपना संगठन को सुरक्षा में है, अपना संगठन को लेके शिक्षा के लिए अपना अपने कर व्यवस्था है। तो इनका कहना है कि जो भी पुलिस प्रोटेक्शन है उसके साथ साथ हम लोग का भी जो अपना समाज का दायित्व है, बाबा साहब बनाए थे समता सैनिक दल खुद का प्रोटेक्शन के लिए। बाबा साहब एक बात कहते थे कि पे बैक टू सोसाइटी, मार्गदर्शन पुस्तक वितरण समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, पे बैक टू सोसाइटी, इस शैक्षणिक मुहिम में अपनी समर्थता अनुसार दान अनुदान योग्य। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर्वेश सुमन। सर्वेश सुमन। सर्वेश सुमन किस लिए आए हैं? सर भैया देखने के लिए आए हैं। क्या देखने के लिए आए? जो कार्यक्रम हो रही है वो। पुस्तक लेने के लिए नहीं है? पुस्तक भी लेना है लेकिन पहले देखेंगे उसके बाद लेंगे। आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th पास आउट है, BSc पार्ट 2 में है। ग्रेजुएशन की तैयारी हो रही है? फैकल्टी क्या है? और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं अभी। फैकल्टी क्या है? क्या फैकल्टी? जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं? साइंस है, मैथ स्ट्रीम बोलिए, मेरा जूलॉजी है। जूलॉजी साइंस, यस। तो इस तरह के जहाँ जो पुस्तक मिल रहा है ये सबसे पढ़ के, अभी तो आपका काम है सिलेबस का, यहाँ के सिलेबस की पुस्तकें भी मिल रही है कि आउट ऑफ सिलेबस मिल रही है? नहीं, सारी बुक मिल रही है यहाँ, तो पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए, हर स्टूडेंट को लेना चाहिए, सब आना चाहिए। हाँ, सबको आना चाहिए। चलिए, तो इनका कहना है कि सबको आना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। आइए, इसके बाद हम दिखाते हैं आपको अपने कैमरामैन से, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, काफ़ी भीड़ है, और हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट से बात करें, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जा रहा है, विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और फॉर्म भर रहे हैं और पुस्तक ले रहे हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप, बात करेंगे? बेतिया से। कहाँ से आए हैं? वेस्ट चंपारण बेतिया से। कहाँ से? वेस्ट चंपारण बेतिया। बेतिया से आए हैं। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके अच्छा फील हो रहा है, पढ़ाई का माहौल देख के अंदर से
बहुत अच्छा लग रहा है। एस सी एस टी ओबीसी क्या है क्या? हम शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट है। आपको लग रहा है कि अपना समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है जैसे बाबा साहब बोले थे? हाँ, देख के तो ऐसा ही लग रहा है, लोग ऐसा यूनाइट हो रहा है तो देख के लग रहा है कि अब पहले से अभी काफ़ी लोग आगे बढ़ रहा है। काफ़ी लोग आगे बढ़ रहा है। हाँ। बाबा साहब एक बात बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, तो आपको लग रहा है कि शिक्षा लेकर धीरे धीरे ही सही, स्लोली स्लोली ही सही आगे बढ़ रहा है? हाँ, अभी एक छोटा छोटा बच्चा अब दहाड़ रहा है, अब ऐसा टाइम नहीं रहा, अब हर बच्चा दहाड़ रहा है। कास्टिज्म अभी भी होता है? कास्टिज्म अभी भी हल्का फुल्का देखने को मिलता है, ऐसे तो खत्म इतना आसानी से नहीं होगा। क्या वो है अभी? वो तो चलता रहेगा ना। चलता रहेगा, चल रहा है ना, तो आप देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, बहुत कम, धीरे धीरे बदला हो सकता है कि आपके साथ फेस नहीं हो। जब तक पूरा भारत शिक्षित नहीं होगा ना, तब तक ये सब सुधरने वाला भी है नहीं, ठीक है ना? धीरे धीरे शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रहा है, भारत थोड़ा वक्त लगेगा पर कुछ दिन आने वाले समय में सब सही होगा। अपने समाज में काम करने की जरूरत है, समाज में काम करने की जरूरत है और अपने साथ में और लोगों को लाने का जरूरत है, और लोगों को लाने की जरूरत है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और किस तरह से क्या प्रक्रिया है पुस्तक देने का। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस इंडिया एजुकेशन कंसिस्टेंटली। पुस्तक देने का यहाँ पे क्या प्रोसेस है? पुस्तक देने पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम सन्नी कुमार है। यहाँ पे पुस्तक देने का प्रोसेस जो है NCERT में आपको 50% ऑफर है, और जनरल कंपटीशन के लिए जो अदर बुक है उसमें 80% आपको बुक में छूट मिलेगा। जनरल कंपटीशन का आपको जो भी जैसे नेट JRF है हो गया, नेट जाम है, और उसके बाद BPSC हो गया, UPSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सारे बुक अवेलेबल यहाँ पे है आपको जो है बहुत ही कम रेट पे, है ना। 80% आपको जो है जैसे कि कोई भी बुक अगर 100 रुपीज़ का है तो वो आपको 20 रुपीज़ में मिल सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है लेकिन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा छूट है। हाँ, बहुत ज़्यादा छूट है, क्योंकि देखिए आप किसी भी चीज़ को अगर आप फ्री में बांट रहे हैं तो उसका बहुमूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर फ्री का चीज़ जो है ना आप कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें उसका जो है वैल्यू कम हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा कॉस्ट दिया गया है ताकि बच्चे अपना, और इसमें यह भी है कि अगर कोई भी बच्चा जो वो भी कॉस्ट 20 रुपये भी नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या लग रहा है, बदलाव आ रहा है शिक्षा के माध्यम से? ऑफकोर्स जरूर, हम लोग का जो है अपना समाज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ के जो है हमारा देश का भी नाम रोशन करेगा। बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है? जरूर, काहे नहीं होगा, जरूर हो भी रहा है। हम लोग अगर युवा अगर जागरूक रहेगा तो हर एक चीज़, कोई भी चीज़ जो है कठिन नहीं है, वो सब सफल होगा। जातिवादी से लड़ पा रहा है यार बहुजन समाज? देखिए यहाँ पे अगर हम कास्टिज्म का बात करें तो देखिए सभी का अलग अलग क्राइटेरिया है, समझे? क्राइटेरिया है वही, तो इसमें जैसे कि हम लोग भी अगर मजबूत होंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होगा कोई किसी से भी नहीं लड़ पाएगा। आप किसी भी चीज़ के बारे में सही जानकारी नहीं है तो आप उसके बारे में आप दो लाइन भी नहीं बोल पाइएगा, तो इसलिए उसके बारे में पहले शिक्षित होना पड़ेगा, उसके बाद हम उससे फाइट कर सकते। मूल मंत्र है शिक्षित होना। हाँ, शिक्षित होना, क्योंकि बाबा साहब का कहना भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है लेकिन आपको काफ़ी सारा जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, 50% से 80% डिस्काउंट मिलेगा, अलग अलग पुस्तकों पर अलग अलग डिस्काउंट है आपको। इसी तरह से मैं यहाँ के जो व्यू है, नज़ारा है वो दिखाता रहूँगा, क्योंकि शिक्षा के लेके अपने समाज में रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और काफ़ी संख्या में देख सकते हैं। इसीलिए शिक्षा के लिए, किताबों के लिए काफ़ी नौजवान आए हैं और किताब लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप बने रहिए हमारे साथ, यानी लाइव बुद्धा के साथ। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।